स्वागतम सुस्वागतम। परम आयुर्वेद आयुर्जित चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्या संभाषा इस उपक्रम के अंतर्गत अनलॉक चरक संहिता, इसमें आप सभी का पुनश्च स्वागत। आज हमें जो मार्गदर्शन करने वाली है वो हमारी प्यारी गुरुवर्य वैद्य ज्योति नागराज मुंदरगी। आपने सोलापुर से बीएमएस प्राप्त किया है। 2008 साल में आपने पीजी डिप्लोमा इन मेडिटेशन और 2010 साल में एमएससी इन मेडिटेशन चेन्नई से किया है। पिछले 30 साल से आप तळेगाव दाभाड़े यहाँ पे आपका बड़ा आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र चला रही हैं। आप सामाजिक कार्य में बहुत रुचि रखती है, इसीलिए आयुर्वेद पंचकर्म और गो सेवा की माध्यम से आपने हजारों रुग्णों की सेवा की है। आयुर्वेद पंचकर्म योग देशी गाय पंचगव्य थेरेपी इनके प्रचार और प्रसार के लिए आप तळेगाव पुणे कोल्हापुर सोलापुर यहाँ पे वैद्यों को तथा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करती है, इसलिए आपने काफी व्यासपीठों से व्याख्यान भी दिए हैं। आयुर्वेद व्यासपीठ महाराष्ट्र आयुर्वेद महासम्मेलन स्नेहालय श्री कृष्ण गोशाला कलापिनी हास्य क्लब स्वानंद योगा इन संस्थाओं से आप जुड़ी रहती है। रोटरी क्लब ऑफ तळेगाव दाभाड़े संस्था की आप दो मेडिकल डायरेक्टर भी रही है। ऋतु आहार पथ्य और आहार गोवंश एक वरदान इन बहुत ही सुंदर पुस्तकों का आपने लेखन किया है। आयुर्वेद पत्रिका सृजन चिकित्सा शिव मुद्रांकन वनौषधि इन मासिकाओं में आपके संशोधन पर विषय लेख प्रसारित हुए हैं। मेंदुगत आवरण नोन स्त्री व्याधि वंध्यत्व निवारण यकृत विकार जलोदर त्वचा रोग अर्धांग व्याधि मति मंदत्व रुद्रोग और कैंसर इन व्याधियों पे आपका बहुत ही बड़ा कार्य है। आयुर्वेद क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा काम करके बहुत ही सारे और बहुत बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उनमें से कुछ मॉरिशस के यहाँ पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 में आपको एक्सलेंस इन आयुर्वेद ये पुरस्कार प्राप्त है। 2015 में वैद्य खड़ी वाले वैद्य इनकी तरफ से काय चिकित्सा में काम करने के लिए वैद्य पुरुषोत्तम शास्त्री नानल पुरस्कार भी मिला है। 2018 में बैद्यनाथ धन्वंतरी पुरस्कार 2015 में श्रद्धेय मोरोपंत पिंगले गो सेवा पुरस्कार 2019 में आयुर्वेद भूषण सांडू पुरस्कार 2019 में श्री मोरोपंत जी पिंगले राज्य स्तरीय पुरस्कार ऐसे बहुत सारे पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। आपका अनुभव आपकी मधुर वाणी और आपका बुद्धि का तेज हमें और बहुत सारे विद्यार्थियों को वैद्यों को आपकी तरफ हमेशा ही आकृष्ट करता है। तो आज मैं आपको विनती करती हूँ कि आप हमें नस्य कर्म कार्मुकता एवं उसकी उपयोगिता इस विषय पर मार्गदर्शन करें। नमस्कार। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विद्यते। इस संसार में ज्ञान समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। वही ज्ञान बहुत काल से कर्म योग से जो अपना अंतकरण शुद्ध करता है उसी से पवित्र बनने वाला मनुष्य सहज ही आपकी अंतरात्मा में प्राप्त करता है। लॉकडाउन में अनलॉक्ड चरक संहिता अध्ययन ये कंसेप्ट लेकर महोदया वैद्य सारिका जी और वैद्य महेश जी भुजबल उनके परम आयुर्वेद द्वारा जो कार्य कर रही है उन्हें मेरा मनपूर्वक अभिवादन। आज का ये 184 ज्ञान यज्ञ है। हमारे स्वल्प विचारों की आहुति देने के लिए मैं वैद्या ज्योति मुंडरगी
आप सभी को मनपूर्वक अभिवादन करती हूँ और भगवान धन्वंतरी को प्रार्थना करती हूँ कि ये महायज्ञ अखंड प्रज्वलित रहे, जिससे हमारे विचारों का ज्ञान का संवहन यानी संस्कार हो। आज के व्याख्यान का विषय है नस्य चिकित्सा की कार्मुकता एवं उपयोगिता। नस्य चिकित्सा का आधार बहुत ही प्राचीनतम है, जैसे ऋग्वेद से लेकर योग वशिष्ठ रामायण में नस्य चिकित्सा का उल्लेख आया है। पुंसंवहन संस्कार से तो हम परिचित है ही। गर्भ संस्कार में प्रथम स्थान पुंसंवहन संस्कार को दिया है। इससे पहले भी गर्भाधान संस्कार में दुर्वा स्वरस जैसी प्रजा स्थापनी का स्थान है, उसी का उल्लेख है। एक उत्तम पीढ़ी का निर्माण, उत्तम प्रजा का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करना, यही इसका उद्देश्य है और समाज की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। रामायण में लक्ष्मण जब समूर्छित हुआ था, आपने रामायण तो देखा है अभी, तब हनुमान जी ने द्रोणगिरी उठाकर संजीवनी बूटी लाई थी और उसका प्रयोग वैद्य सुषेण जी ने किया था। उस संजीवनी बूटी का नस्य प्रयोग या सूंघने से ही लक्ष्मण होश में आए थे। हम आज इस प्राचीनतम आयुर्वेद के धरोहर है, वारसदार है हम लोग। आशा करती हूँ कि मेरे ये विचार अच्छी तरह से मैं आपको प्रदान कर सकती। हमें पूछा जाता है कि पंचकर्म चिकित्सा में नस्य एक बहुत ही लाभदायी अहम चिकित्सा है, इमरजेंसी में आयुर्वेद में क्या है? तो मैं इसका उत्तर अभिमान से दे सकती हूँ कि हमारे पास इमरजेंसी में नस्य चिकित्सा है। तो आज हम चालू करते हैं नस्य चिकित्सा का कार्मुकत्व एवं उपयोगिता। थोड़ा सा थेराटिकल तो देखना ही चाहिए क्योंकि हमें कार्मकत्व देखना है, तो थोड़ा व्याख्या अरुण दत्त ने किया है उसी से देखते हैं। नासायाम भवनस्य ऐसा कहा है, औषधि अथवा औषधि सिद्ध स्नेहों को नासा मार्ग से दिया जाना इसे नस्य कहलाते हैं। भाव प्रकाशकर कहते हैं नासा ग्राह्य औषध को नस्य कहा है। नस्य धातु ये गत्यर्थक है, नस्य यानी नासिका के हितकर, ऐसे करो। सुश्रुत चिकित्सा में कहा है औषधम औषध सिद्धम स्नेहो वा नासिकाभ्याम दीयते इति नस्य। और अष्टांग हृदयकार उनकी व्याख्या बहुत ही अच्छी है, ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषान्नस्य मिश्यते नासा ही शिरसो द्वारम तेन तत्व्याप्य हंतिता। जत्रु के ऊपर रहने वाले अर्थात शिर के विकारों के लिए नस्य की विशेष उपयोगिता है। नासा ही शिरसो द्वारम, इस द्वार से नस्य औषध संपूर्ण शिर में व्याप्त होकर उन विकारों को नष्ट करता है। नस्य शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? शिरोविरेचन, शिरोविरेक, मूर्ध विरेचन। दोषों का शोधन इसी से होता है, दोष शोधन के लिए विरेचन शब्द प्रयोग किया है। तथा जब हम पित्तशामक द्रव्यों का, पित्तनाशक द्रव्यों का प्रयोग करके दोषों को बाहर निकालते हैं, उसे भी शिरोविरेक द्रव्य कहते हैं। जैसे देवदाली का प्रयोग हम करते हैं, पित्त विरेचक है वो, शिगुरु बीज का प्रधमन नस्य देते हैं। चरक सूत्र स्थान में चरकाचार्य जी ने कहा है नस्तः प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन का अर्थ है
वमन प्रच्छर्दन यानी नासा द्वारा किया जाने वाला शोधन, इसमें अपामार्ग का प्रयोग किया है। अपामार्ग यानी क्या? तो अपामार्ग यानी कि जो स्रोतसों को स्वच्छ करता है। एक ही कर्म, एक ही नस्य कर्म है और उसमें नासा द्वारा हम दोषों का प्रयोग करके विरेचन भी करा सकते हैं, वमन भी करा सकते हैं, देखो तर्पण भी कर सकते हैं, शमन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक कर्म से विविध द्रव्यों की योजना करके योजक जो वैद्य है वो अच्छी तरह प्रयोग कर सकता है। नावननस्त, नावननस्य नस्त कर्म नासायां भव, जो नासा में होता है ऐसा नस्य, जैसे कपास डुबोकर हम तेल में डुबोकर दो दो बूंदे नाक में डालते हैं तो वो नावन नस्य है। नासा का मुख्य कार्य क्या है? गंध ज्ञान कराना नासा का मुख्य कार्य है। और घ्राण यानी नासा ये इंद्रियाधिष्ठान है और आकाश वायु तेज आप पृथ्वी ये भी इंद्रियाधिष्ठान है और गंध इसका इंद्रियार्थ है। तो इसमें मुझे एक संकल्प मेरे मन में आया कि मूलाधार चक्र जो है वो मूलाधार चक्र हम लोग कहते हैं पृथ्वी तत्व का स्थान है और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध गुण है। और पृथ्वी तत्व का गंध गुण है इसीलिए मूलाधार चक्र में जो वो जो प्लेक्सस है उसमें जो जो अवयव हैं उसी अवयवों की शुद्धि या उसे बल देने के लिए हम नस्य का प्रयोग किया, हमने नस्य का प्रयोग किया तो बहुत ही उसका लाभ हमें होता है। इसीलिए कुछ भी स्पाइन रिलेटेड जो भी कुछ व्याधि होते हैं उसी में भी नस्य चिकित्सा अहम रखती है, क्योंकि स्थूल जो है वो नासा है और उसका सूक्ष्म केंद्र शिर में है और मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व है और उसका गंध गुण। जिग्रति अनेन इति घ्राण और नासा बुद्धि ये इंद्रिय बुद्धि है। इंद्रिय बुद्धि यानी क्या? तो इंद्रिय बुद्धि यानी सेंसरी रिफ्लेक्स यानी ग्रेय पदार्थों का जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, हमें मालूम होता है कि ये मृत गंध है, ये माटी का सुवास है। तो ये क्यों हमें मालूम होता है? क्योंकि हमें मेमोरी में वो मृत गंध वो इंद्रिय बुद्धि से वो रिलेट करता है और इसीलिए ये सब ऊहापोह इंद्रिय बुद्धि यानी सेंसरी रिफ्लेक्स में ग्रेय पदार्थों के विश्लेषण में ये होता है। गंधवा धमनिया नासा मूल में होती है। गंध ज्ञान का ऊहापोह इंद्रिय बुद्धि द्वारा इंद्रियातन शिर में होता है और तर्पक कफ का स्थान जो सभी इंद्रियों का तर्पण करता है और प्राणवायु इंद्रियों का धारण करता है और शिर जो क्या है? मर्म स्थान है, इसीलिए उसे संभालना बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए नस्य का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षोत्र श्रृंगाट चक्षु सभी के सिरामुखों की मार्ग हो शिर में खुलते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि शिर के रोगों का निदान भी नासा से प्रविष्ट होता है, शिरो विकृति जन्य दुष्ट स्त्राव भी नासा से स्रवित होता है। चरकाचार्य ने नस्य के जो कार्मुकता के आधार पे कुछ ये किया है, नावन अवपीड घुमापन धूमनस्य प्रतिमर्शनस्य, प्रतिमर्शनस्य में स्नेहन और विरेचन ये प्रकार किया है और धूमनस्य में प्रायोगिक वैरेचनिक स्नेहिक ऐसे प्रकार किए हैं। कार्मुक्त के आधार पर रेचन तर्पण और शमन ऐसे प्रकार हैं। तो नावन नस्य में क्या है?
जो कपास डुबोकर हम बिंदु छोड़ते हैं वो नावन्नस से है। अवपीड में कल्क जो है औषधि निचोड़कर नाक में डालते हैं। नापन में प्रधमन यानी चूर्ण, नासा में फेंकना छोड़ना। धूमनस्य में औषधि धूम को खींचना। और मर्श प्रतिमर्श ये दोनों में मात्रा का भेद है। दो बिंदु जो है डालना नाक में वो प्रतिमर्शनस्य है और मर्शनस्य में मात्रा ज्यादा होती है बिंदु की। तो प्रतिमर्शनस्य आजन्म आजन्म मरण प्रशस्य है। जन्म से लेकर मरण तक हम कभी भी किसी ही एज में प्रतिमर्शनस्य दे सकते हैं। आजकल आप देखते हैं जो COVID-19 में हम लोग प्रतिमर्शनस्य डेली जो हमने हमारे पूर्वजों ने दिनचर्या दी है उसमें दो दो बूंदे गाय के घी के या अणु तेल के या कोई भी तेल के नाक में छोड़ दिए तो नेजल म्यूकोजा को एक लेयर फॉर्म होती है। इसी से कोई जीव जंतु का प्रवेश ही अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए प्रतिमर्शनस्य आज के काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है। वाग्भट ने 15 काल बताए हैं। गृहानि गच्छत निर्गच्छत, बाहर जाते समय नाक में दो दो बूंदे डालना, ये मैंने अभी बताए हैं। और उसकी उम्र कितने वर्ष से हम लोग नस्य कर सकते हैं तो ग्रंथों में बताया है 7 वर्ष आयु से कम 80 वर्ष तक के आयु के ऊपर नस्य नहीं देना चाहिए। और प्रतिमर्श नस्य जन्म से मृत्यु तक कभी भी दिया जा सकता है। तो ऐसे 20 प्रकार के नस्य ग्रंथों में दिया है और कुछ द्रव्य भेद से भी उसका प्रकार किया है। पत्र, पुष्प, फलों, मूलों, कंदों, निर्यास, त्वक ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं और इसी से भी नस्य दे सकते हैं। नस्यार्थ द्रव्य भेद से ये 7 प्रकार है। तो पत्र यानी कि तुलसी पत्र, तुलसी पत्र का हम लोग यूज कर सकते हैं। आरग्व, सरसों, लहसुन। मूल नस्य से ब्राह्मी, वचा, मालकांगोणी। कंद नस्य में मूली, शुंठी, हरिद्रा। पुष्प में अर्क, नींब, इसी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। निर्यास में हिंगू, जब कृमि की आशंका होती है तो विडंग का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और त्वक नस्य में गुड़ुची, देवताल या जीमूतक। कामला में हम इसका नस्य विरेचक जो योग है वो देते हैं। तो ऐसे अनेक विध मार्ग से हम लोग नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। अवपीड़नस्य औषधि निचोड़कर रसकल्कादि को नासा में डाला जाता है तो उसका प्रयोग बहुत ही इमरजेंसी में हम लोग दे सकते हैं। जब कब संज्ञा प्रबोधन के लिए या कहा स्तंभन है या संन्यास, मोह, मूर्छा ये जब होता है तब इमरजेंसी होती है उसी टाइम हम लोग उस नस्य का प्रयोग किया तो उसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। स्तंभन के लिए रक्त पित्त में बहुत ही रक्तस्राव जब होता है तो हमें वो रोकना पड़ता है, इसीलिए स्तंभन करना पड़ता है। उसी में भी हम लोग नस्य का प्रयोग करते हैं। उसके उदाहरण तो मैं बाद में देने वाली हूँ, अभी ये कारमुक्ता ही हम लोग देखते हैं। मापन में प्रधमन यानी चूर्ण नासा में फेंकना। कभी मानसिक रोग जब होते हैं, उन्माद है, अपस्मार है, अतत्वाभिनिवेश, स्किज़ोफ्रेनिया में कभी पेशेंट बेहोशी में आता है तब चिमटी भर या 3 म्यूचिटी तर्जनी और अंगूठा इसमें जितना चूर्ण आ सकता है उतना चूर्ण सूंघने के लिए देते हैं और उसी से भी पेशेंट तुरंत जल्दी होश में आ सकता है। धूमनस्य में औषधि धूम को खींचना, औषधि पानी में डालकर बाफ लेना भी
धूम नस्य का ही प्रयोग है एक्चुअली, नस्य में ही वह अभी अंतर्भूत है। जैसे हम कंटकारी में दंत चिकित्सा करते हैं तो धूम नस्य करते हैं या उसका धूम भी लेते हैं, नाक से वो धूम खींचना चाहिए और मुख से छोड़ना चाहिए। मर्श और प्रतिमर्श जो नस्य है उसमें मात्रा का भेद है, दो बुंदे मात्रा जो है वो प्रतिमर्श और मर्श में 10 बुंदे, और तर्जनी डुबोकर 10 बुंदे गिराना से मर्श कहते हैं। मैंने देखा अभी अभी कौन से द्रव्यों का प्रयोग कौन से प्रकृति में हम लोग करते हैं, पित्त प्रकृति में घी का, वात प्रकृति में तेल का, और कफज प्रकृति में हम लोग चूर्ण भी दे सकते हैं, तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। धूमपान ये भी शास्त्रीय भैषज कल्पना है, और विविध प्रकार से नस्य कर्म हम कर सकते हैं। बहुत ही विश्वासार्ह जल्दी गुण देने वाला प्रकृति और मात्रा दोनों का अभ्यास जिसका होता है उसे नस्य की व्यापक का कोई भीति नहीं रहती। नस्य की कार्मुकता चक्षुरोग में, एंटी में, कर्ण रोग में, केश श्मश्रु दाढ़ी के केस इससे सफेद नहीं होते, बालों का झड़ना बंद होता है, पीनोस अर्धावभेदक, मन्यास्तंभ, शिरशूल, अर्दीत, अनुग्रह इसका प्रशम होता है, शीर शीर की हड्डियां, शीर की संधियां, स्नायु कंडरा उसको बल मिलता है, मुख प्रसन्न उपाचित रहता है, स्वर स्निग्ध घोषवान होता है, पंच ज्ञानेन्द्रियों की ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ती है, ऊर्ध्व चतुर्गत रोग होते नहीं, वृद्धावकाल देर से आता है, मुख सुगंधित होता है, हनु दांत सिर त्रिक प्रदेश उरो अवयव दृढ़ होने के लिए बलवान होने के लिए नस्य का प्रयोग किया जाता है, वली पलित खालित्य वांग इत्यादि रोग इससे नहीं होते। नस्य कर्म के अनुसार दी हुई औषधि नासा स्रोत में रहती है या शीर में जाते हैं, यह प्रमुख विचारणीय प्रश्न होता है। आयुर्वेद मतानुसार नासा ही शिरसोद्वारम, नस्य की कार्मुकता बताते हुए चरक ने कहा है कि शिरोविरेचन औषध उत्तमांग में शिर में पहुंचकर संपूर्ण विकृत दोष को वहां चिपकने न देते हुए उसे बाहर निकाल देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नासा का मुख्य कर्म है गंध ग्रहण करना। नासा मूल में गंध वह धमनिया होती है, उसी से गंध ज्ञान होता है, वो गंध ज्ञान से स्टिमुलेशन मिलता है, उत्तेजना मिलती है, और उसे गंधव स्रोतस प्रक्षुभित होता है, थोड़ी सी क्षवत प्रवृत्ति होती है और शिरस्य कफ विलयित होता है, दोष निर्हरण होता है, शुंठी लशुन हिंग वचा पिपली ये गंध उत्तेजक द्रव्य है। नस्य द्रव्य प्रायः उष्ण तीक्ष्ण ऐसे होते हैं, ये दोनों गुण विच्छिन्न द्रवीकरण छेदन कार्य करते हैं, और मधुर द्रव्य का जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसी से ब्रूहण तर्पण शमन कार्य करते हैं, कषाय रस से स्तंभन होता है। ये सब गुण तब मिल सकते हैं जब उनका वीर्य यानी इसकी जो द्रव्य की जो पौर है वो पौर शरीर में पहुंच जाती है। अभी आधुनिक मत के अनुसार नस्य द्रव्य का कार्य कैसे होता है, नासा मूल में स्थित गंध ग्रहण करने वाली ऑल्फैक्टरी नर्व वहां स्थित होती है, और श्लेष्मल कला जो होती है नासा के मूल में, दोनों नासा पुट में 1 से 2 चौरस सेंटीमीटर में उसका क्षेत्र होता है और उसी से गंध ज्ञान होता है। वहां वो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है उसी से उस कला से गंध ग्रहण होता है, वो गंध ग्रहण सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका सेंसेशन जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
एमिग्डलॉइड न्यूक्लियस जो होता है उसी से भिन्न भिन्न गंध की संवेदना पहुंच जाती है, उसी से स्टिमुलेशन मिलता है और वो पायरिफॉर्म एरिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डलॉइड न्यूक्लियस से हिप्पोकैम्पस, अंकस, डोमिनेंट एंगुलर तक, गायरस तक ये गंध संवेदना जाती है। और हिप्पोकैम्पस का जो संबंध है वो मनुष्य के भावनात्मक इमोशनल जो थिंकिंग है उसी से रिलेटेड है। सो क्रोध शोकादि में हमने बताया है, शास्त्रों में बताया है कि इसका प्रयोग, नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शिर के इंद्रियों की अधिक उत्तेजना होती है और उसी टाइम शिर के इंद्रियों को अधिक उत्तेजित न करने का उद्देश्य है। सो इसीलिए प्रतिमर्श जैसा स्नेह नस्य जो वातक्षोप कम करता है और गंध प्रधान द्रव्य अपने वीर्य से निश्चितता शिर में पहुंचते हैं, ऐसे ये आधुनिक शास्त्र के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार ये द्रव्यों का प्रयोग होता है। अभी गंध की उत्तेजना करने वाले जो द्रव्य है वो कैसे होने चाहिए, तो ये जो द्रव्य है ये थोड़ा एरोमेटिक यानी उड़नशील है, जल में घुलने योग्य होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल यानी स्नेह में घुलने वाला होना चाहिए। गंधव नाड़ी जो है वो गंध ज्ञान नासा मूल से होता है और ये केंद्र नासा मूल में स्थित है और ये अवयव जो है वो जिस धातु से बनती है वहां स्नेह का आधिक्य ज्यादा होता है। सो इसी कारण से स्नेह में घुलने वाले द्रव्य तुरंत उससे ग्राह्य होते हैं और उनका स्थानांतर या ट्रांसमिशन शीघ्र होता है। इसीलिए नस्य द्रव्यों में शुक्त, मध्य इनके साथ भी औषध का प्रयोग का निर्देश किया है। ये अत्यधिक स्नेह घुलनशील है, लिपिड सोल्यूबल है। वाग्भट ने तैल प्रशस्ति कहा है क्योंकि शिर ये कफ स्थान है, कफ का वो धाम है और इसीलिए तैल ये अणुप्रणव भाव है, उसमें सूक्ष्म स्रोतोगामी है और इसीलिए वो तुरंत जल्दी उसी तरफ पहुंचता है। और एक बात ऐसी है जैसे मैंने अभी बताया कि वहां स्नेह का अधिक्य उस अवयव में ज्यादा होता है और हमारा सूत्र क्या है, वृद्धि समान ही सर्वेशा, वृद्धि होती है वहां, वृद्धि होती है अनेका यानी तुरंत उससे ग्रहण किया जाता है और शिर की ओर जाकर समान भाग को वो बढ़ाते हैं और उसका पोषण करते हैं और इसी से नाड़ी को भी बल मिलता है। तो ये सब नस्य का कार्मकत्व हमने देखा। अभी नस्य चिकित्सा जो कुछ उदाहरण है, केस स्टडीज है, उसके डिस्कशन में करने जा रही हूँ। मैंने पूछा था कि इमरजेंसी में हमारे पास क्या है, तो मैंने बताया था कि इमरजेंसी में हमारे पास नस्य है और ये बहुत ही जल्दी गुण देने वाली प्रभावी चिकित्सा है। तो एक पेशेंट का उदाहरण मैं देती हूँ कि हमारे पास अनुक्त रोग लेकर ही बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सार्कॉइडोसिस का एक पेशेंट मेरे पास आया था और उसी को उसके फुफ्फुस में लसिका ग्रंथि की वृद्धि हो रही थी और उस पेशेंट के एक्सरे में लिम्फ नोड्स बढ़ रहे थे, उसे बार बार सर्दी, खांसी, जॉइंट पेन, अर्टिकेरिया, गिडीनेस, उल्टी होना, हेडेक, ऐसे बहुत सारे लक्षण पेशेंट बता रहे थे और एक दिन उसे बहुत जोर से
गिडीनेस हो गया, बहुत ही चक्कर आने लगी, भ्रम ये लक्षण उसमें था। और ये इतना ज्यादा था कि पेशेंट कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे विजिट के लिए बुलाया और मैंने देखा कि वो उसकी इतनी गिडीनेस ज्यादा था कि वो एक लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आ नहीं सकती थी, बहुत ही उसे तकलीफ हो रही थी, हेडेक था। तो उसी टाइम मैंने सुशेखर मात्रा और महावाद्य ध्वंस, हमारे शास्त्र में तो ऐसा बताया नहीं है, कहा बहुत सारे द्रव्यों का जिक्र किया है, लेकिन मेरे गुरु वैद्य भैयाराव गौतम उन्होंने ये प्रयोग बताया था कि जब कभी बहुत ही ज्यादा आपको भ्रम होगा, मूर्छा होगी, गिडीनेस होगा, तब नव्य सुशेखर जैसे हम लोग मात्रा देते हैं वैसे भी हम इसका प्रयोग नस्य के द्वारा भी कर सकते हैं और उसी से वो पेशेंट तुरंत ठीक होता है। तो इसीलिए मैंने सुशेखर मात्रा और महावाद विध्वंस जोड़ा, इसका प्रयोग किया, वो दूध में थोड़ा सा डाल दिया और उसका नस्य प्रयोग किया और उस नस्य का प्रयोग करते ही उसकी चक्कर कम होने लगी। उसके बाद नव्य सुशेखर मात्रा और महावाद विध्वंस उसका जिंजर के रस में और शहद में चटा कर उसे मात्रा चाटन चालू किया और उसके बाद उसे घमासा और मांसिका फान दिया और 50 cc उसका रक्तमोक्षण भी किया। उसी से तत्काल उस पेशेंट को बहुत ही आराम मिल गया और उससे वोमिटिंग भी नहीं हुई और वो पेशेंट जल्दी ठीक हो गई। ऐसे इमरजेंसी में हमारे पास नस्य से भी हम लोग पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एक पेशेंट था, उसका टिम्पेनोप्लास्टी हो गया था, कान का ऑपरेशन हो गया था और उसकी कान के ऑपरेशन करके वक्त उसके नर्व को धक्का लग गया, फेशियल नर्व को या जो आंखों को जाने वाली जो नर्व है उसे धक्का लग गया और उसी से उसके कान से आंखों से पानी बह रहा था और जो आईलिड से वो उसकी अनकंट्रोल्ड एक्शन थी, वो अनकंट्रोल्ड थी और पेशेंट इसीलिए बहुत ही दिन से वो चल रहा था, वो गॉगल्स लगा के ही फिरता था। तो उसे अक्षय तर्पण चिकित्सा देकर अणुतेल का नस्य और स्नेह सेदन करके अणुतेल का नस्य दिया था और बृहद्वाज चिंतामणि सुवर्ण युक्त पालसी न्यूरॉन उस पेशेंट को दिया और 15 दिन से 3 हफ्ते तक उसका उसे बहुत ही अच्छा गुण आ गया। कोई पेशेंट कंबोवाद से, बहुत सारे पेशेंट पीड़ित होते हैं, ड्रुपिंग आईलिड का एक पेशेंट था, टोसिस जिसे कहते हैं एलोपैथी में उसका डायग्नोसिस किया था, उस पेशेंट को अणुतेल का नस्य और बृहद्वाज चिंतामणि और पालसी न्यूरॉन का प्रयोग किया तो 1 हफ्ते में ही उसका जो टोसिस हो गया था वो कम हो गया और कंपोवाद भी बहुत कम हो गया। आयुर्वेद में हमें इतनी सारी इमरजेंसी तो हैंडल हम लोग नहीं करते, लेकिन जब हम किसी पेशेंट के फैमिली डॉक्टर बनते हैं तो पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, रात को भी सताते हैं। ऐसे ही एक पेशेंट मेरे पास आई थी और उस पेशेंट का एज था 75 ईयर्स और इसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड था। जब वो पेशेंट आई थी मेरे पास, वो उसका ब्लड प्रेशर था 210 and 150। उसके बाद उस पेशेंट के नासा से रक्तस्राव होने लगा, एपिस्टैक्सिस था। पहले उन्होंने ENT स्पेशलिस्ट को फोन किया, उसे जनरल हॉस्पिटल में एडमिट होने का सलाह दिया था, लेकिन उससे पहले डॉक्टर का, हमारे फैमिली डॉक्टर को पूछना चाहिए, इसीलिए वो पेशेंट सुबह सुबह
4 बजे मेरे पास आई थी, और वो देखा तो उसके नासा से बहुत ही सारा रक्तस्राव हो रहा था और धारी लग गई थी। तो उस पेशेंट को ट्रीट करना मुझे तो ये अग्निपरीक्षा लगा। एक्चुअली एक्चुअली निसर्गतः इस पेशेंट का तो रक्तमोक्षण हो गया था और इसीलिए उसका ब्रेन हेमरेज टर गया था। इसीलिए मैंने उसे पहले सुवर्णसूत्र शिखर और महावात विध्वंस जिंजर का रस और शहद में डाल के उसका मात्रा चाटन शुरू किया। रसगंधा टैबलेट के 2 टैबलेट उसे उसमें दिया। प्रवाल और मौक्तिक कामधुधा, सुवर्णमाक्षिक और चंद्रकला इसी के साथ दाढ़ी मावले में डालकर उसे दी। और शतावरी क्रूत जो है उसका गॉज बैंडेज, उसकी जो वर्टी बनाकर, गॉज बैंडेज में वर्टी बनाकर फोर्सेप से धीरे धीरे उसके नाक में डाल दी। तो शतावरी क्या है? शतावरी एंटीस्पास्मोडिक है। 5 मिनट के अंदर उससे जो एपिस्टैक्सिस हो रहा था वो रुक गया, क्योंकि उसी से रक्त वाहिनियों का संकोच होता है और उसका ब्लीडिंग पूर्णतया रुक गया। आधा घंटे के बाद मैंने उसके बीपी देखा तो वो 160/110 था। मतलब बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि पेशेंट भी बहुत रिलैक्स हो गई थी। ऐसे टाइम जब हम लोग एड्रेनलिन का जिक्र करते हैं, एड्रेनलिन को गॉज लगाते हैं, वैसे ही शतावरी जो भूत था उसका इफेक्ट मुझे मिला। और उसके बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि इमरजेंसी में हम लोग बहुत ही अच्छा नस्य से या कुछ ऐसे ये करके हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब नाक से एपिस्टैक्सिस होता है, हम लोग जो ओनियन है वो सूंघने के लिए देते हैं, और कभी कभी अड़ोसा पानों का जो स्वरस होता है उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके दो दो बूंदे नाक में डाल दिया तो भी इमरजेंसी में रक्तस्राव कम होता है। और स्वरस आपके पास नहीं होगा तो आप वासाघृत से भी बहुत ही अच्छा फायदा ले सकते हैं। एक पेशेंट ऐसे ही दोपहर के टाइम मेरे पास आई और उसके टिंगलिंग नमनेस था और बहुत ही पेशेंट उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसका उन्माद अपस्मार जैसा उसका बिहेवियर था। और उस पेशेंट का किसी से भांडण हो गया था और इसीलिए उसका लॉकजॉ हो गया था। और उस पेशेंट को मैंने सुशेखर महावात विध्वंस का नस्य किया। वो उन्माद की केस थी। सुशेखर महावात उसका चाटन मद से चटाया और महालक्ष्मी विलास श्रृंग प्रवाल मौक्तिक कामदुगा दाढ़ी मावले हो उसे दिया। इस नस्य का प्रभाव इतना अच्छा हो गया कि उस पेशेंट की जो लॉकजॉ हो गया था वो निकल गया और वो अच्छी तरह से चलकर घर चली गई। तो इमरजेंसी में इस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग रूट कैनाल करते हैं, रूट फिलिंग करते हैं, तो कोई नर्व को धक्का लग गया, फेशियल नर्व स्टिमुलेशन हो गया, तो जैसे शॉक लगता है वैसे पेशेंट को ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेशन होता है। एक पेशेंट को ऐसे ही फीलिंग था और उसे बहुत ही सीवियर पेन था। उसी टाइम पंचेंद्रिय वर्धन तेल से नस्य का प्रयोग मैंने किया और उसका जो शूटिंग पेन था वो शूटिंग पेन जल्दी कम हो गया।
एक पेशेंट में कंजेनाइटल ड्रूपिंग रिस्ट जॉइंट था, वो कंजेनाइटल एनोमली थी। अब इसकी माँ मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही जन्म से है, लेकिन आप कुछ कर सकती हैं क्या? उसका दाया हाथ ही काम नहीं कर सकता था, ब्रिज जॉइंट के नीचे वो ड्रूपिंग ब्रिज जॉइंट था, इसीलिए वो उन्होंने उस पेशेंट ने बाएं हाथ से लिखाण वो राइटिंग का सवाई उन्होंने किया थी। तो उसी टाइम मैंने उसे वजह तेल का नस्य का प्रयोग चालू किया और वो कंटिन्यूस रखा, एक बरस बरस या दो बरस या तीन बरस आप कंटिन्यू से रखो, ये बंद मत करो, ऐसे मैंने बताया। और शिरोधारा चिकित्सा अश्वगंधा उसे दिया, सुवर्णयुक्त सारस्वत अरिष्ट चालू किया था। वजा तेल के नस्य के प्रयोग से वो बहुत ही परिणामकारक रह गया और उसी से उस हाथ का प्रयोग वो करने लगा। उसी से अभी वो क्रिकेट खेलता है, 5 किलो तक वजन वो उठाता है और उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी आ गई है। अभी वो अमेरिका में जॉब कर रहा है। तो ऐसे जब हम नस्य के ये सब सारे ये एविडेंस देखते हैं तो लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत जल्दी गुण देने वाली चिकित्सा है। पीवी में नस्य से हम कुछ कर सकते हैं क्या? हमारे जो मेरे गुरु वैद्य गौतम, उन्होंने बताया था कि टर्मरिक नहीं, कोरियामिन, चिंचेचा जो कोळ असत, तो उसका जो नस्य है उस नस्य से पीवी ब्लीडिंग भी, बहुत ज्यादा पीवी ब्लीडिंग जिसका होता है उसका ब्लीडिंग तुरंत कम होता है। वैसे डीएनएस में बारंबार क्रॉनिक जो प्रतीक्षा होता है, साइनोसाइटिस है, बहुत हेडेक है, उस पेशेंट में भी स्नेहन स्वेदन करके गुड़ शुंठी का नस्य बहुत ही फायदेशीर होता है। हिक्का के पेशेंट आते हैं हमारे पास, बहुत देर तक हिक्का रुकती ही नहीं, बहुत देर तक हिक्का चलती है तो प्राणों को भी धोखा रहता है। इसी पेशेंट में सेंधव सिद्ध जल, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन सेंधव सिद्ध जल बनाना चाहिए और उसके 2 से 4 बूंदे नाक में डालने से तुरंत वो पेशेंट का हिक्का कम होता है। पीनस की एक केस थी, तो दुष्ट प्रतिष्ठा कहते हैं पीनस को, और दुष्ट प्रतिष्ठा ये संकल्पना मैंने ग्रंथ में ही पढ़ी थी। मैंने जब वो पेशेंट देखा तो मुझे लगा कि अरे ये बहुत ही तकलीफ वाली केस है। पीनस में पेशेंट को गंध ज्ञान नहीं होगा और नाक में से ऐसे कुछ ड्राई होता है, नाक नासा ड्राई होता है और उसी से बहुत ही दुर्गंध आती है। इस पेशेंट को त्रिफला सिद्ध जल की बाफ देकर उसे प्रथम नस्य दिया, त्रिफला जल का ही नस्य दिया। ड्राइनेस कम होता है, बैक्टीरियसाइडल इफेक्ट है त्रिफला का, और उसी से जब मैंने वो त्रिफला की स्टीम इनहेलेशन उसे दिया तो सब मेरे क्लिनिक में उसके नाक की दुर्गंध ही आ गई। उसी के बाद मैंने उसे त्रिफला की ही स्टीम घर में लेने के लिए और उसके बाद त्रिफला का ही जो पानी तैयार होता था उसी से नस्य और उसके बाद बला तेल का नस्य उसे पोषण करने के लिए उसे बला तेल का नस्य दिया था। और पेट में सूक्ष्म त्रिफला, बेहड़ा गनो, यष्टि टंकण, धमासा, पाठा, अनंता, सीचू, प्रवाण ये दिया था। पेशेंट को बहुत सारा फर्क इससे मिला, बहुत खुश हो गया वो पेशेंट, क्योंकि बरसों तक तो उसने ऑट्रिन नाक में डाला था और इसी से एट्रोफिक चेंजेस आ गए थे और वो जो दुर्गंध था तो इतना भयानक था कि
उसकी वाइफ भी ये सहन नहीं सकती थी, तो उसके बाद उसे बल देने के लिए, थोड़ा सा कफ बढ़ाने के लिए मुझे काम करना पड़ा, और इसीलिए दही और ब्लैक पेपर इसका प्रयोग मैंने किया, और बला तेल का जो नस्य है वो सालों तक मैंने उसे देने के लिए कहा, और उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग हो गया, पेशेंट पूरी की तरह ठीक हो गया। मन्यास्तंभ लेकर जब पेशेंट आता है, बहुत ही पेशेंट को तकलीफ होती है, उसी पेशेंट में वैखंड वचा का प्रथम नस्य, हम लोग मन्यास्तंभ में स्नेह नस्य देते हैं, लेकिन मैंने प्रथम नस्य दिया पेशेंट को, और तुरंत एक छींक आती है पेशेंट को, और छींक आने के बाद उसकी मन्यास्तंभ तुरंत निकल जाता है। वैसे ही वचा तेल नस्य का प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह होता है। अर्धशीशी में जब पेशेंट आते हैं, तो बहुत ही 20-20 साल तक अर्धशीशी लेकर पेशेंट मुझे मेरे पास आए थे। बहुत ही हेडेक सीवियर, पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन भी बदलते हैं उसके, और उसी पेशेंट को स्नेह स्वेदन करके शिरोधारा का उस समय प्रयोग मैंने किया था। शिरोधारा का प्रयोग बहुत ही सक्सेसफुल होता है, और केशर, खड़ी साखर, खड़ी शक्कर और गोघृत इसका नस्य उस पेशेंट को मैंने दिया था, उसी से उसकी अर्धशीशी बहुत ही अच्छी तरह कम हो गई, और उसके बाद मौसी और बला तेल का नस्य पेशेंट को दिया था, और पेट में मृत्युंजय, अग्नितुंडी, धमासे मौसी फांड, सुवर्ण सुशेखर, महावात विध्वंस और जलौका द्वारे रक्तमोक्षण पेशेंट का किया था, उसी से 20 बरस की उसकी अर्धशीशी नष्ट हो गई। पोल्यूशन में बार बार फेरेंजाइटिस होना पेशेंट हमेशा आता है, तो अभी गोघृत का नस्य उसका प्रोटेक्शन करता है। फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत ही अच्छा फायदा होता है। फ्रोजन शोल्डर में भाव प्रकाश करो ने बहुत ही एक प्रयोग बताया है कि ठंडे पानी का नस्य शीतल जल का प्रयोग बताया है, और शीतल जल का प्रयोग मैंने मेरी माँ में किया था, और उसी से उसका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया था। वैसे ही उड़द की जो दाल होती है, उड़द की दाल एक म्यूचिटी यानी चिमट भर उड़द की दाल लेकर पानी में भिगो कर रखना, और वो ऊपर का जो पानी होता है वो पानी नाक में डालने के बाद सुबह सुबह वो डालना चाहिए, उसी से एक स्टिमुलेशन मिलता है नर्वस सिस्टम के लिए, बल भी प्राप्त होता है, और उसी से फ्रोजन शोल्डर कम होता है। अभी जो केस स्टडीज, क्लासिकल केस स्टडीज में दिखाने वाली हूँ, उसका प्रयोग मेंदुगतावरण शोध, नासाही शिरसोद्वारम, ये क्या है एक्चुअली? और ये नासा को शिर का द्वार क्यों कहा है, इसके ये दो क्लासिकल केस स्टडीज मैं बताने जाने वाली हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने ये दो केसेस, तीन केसेस एक्चुअली सबमिट किया था। रोल ऑफ फचा, द सीट फ्लैग रूट बायनस्य इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में हम लोग कैसी अनुभूति नस्य की ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसका भी स्टडी, वचा का संस्कृत नाम है वचा, उग्रगंधा कहा है, देखो नाम में क्या होता है, तो नाम में ही सब कुछ है, उग्रगंधा, गुजराती में उसे घोड़वच, हिंदी में बज, उनानी, अकुरान, इंग्लिश में स्वीट फ्लैग रूट और लैटिन एकोरस कोलेमस। प्रॉपर्टी है, हाइट इज 5 to 6 feet, हॉट इंटेंसली एरोमेटिक फ्रेग्रेंस एंड टैंजी पंजेंट बिटर, हॉट इन टेस्ट, स्टिमुलेंट वॉमिटिंग, स्पीच स्टिमुलेटर, डीपन दैट इज स्टिमुलेट्स हंगर, बेस्ट फॉर कफज कंडू, इचिंग ड्यू टू कफदोषास, गुड फॉर मेमोरी। अभी केस स्टडीज के
केस स्टडीज देखते हैं. रोल ऑफ वजा इन इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट. ए मेल पेशेंट एजेड 35 इयर्स वाज सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ 72 एचपी डायरेक्ट करंट, बिकेम अनकॉन्शियस, पल्सलेस, वेंट इन कार्डियक अरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेव वन थ्रॉबिंग स्ट्रोक टू लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड हिज हार्ट स्टार्टिंग फंक्शनिंग. मेडिसिन गिवन, आई गेव नेसी चिकित्सा ऑफ वजा ऑयल. As soon as I put drops of vajra oil in his nostrils, patient shouted and started crying. His complete body was vibrating, and within few seconds he woke up. Vajra is tikshnanasya. In this case, patient was suffering from aghataja vata prakoh. According to Ayurveda, vajra releases vata dosha and obstruction of srotasas. It gives stimulation to the nervous system. Case number 2, role of vajra in the case of dura hygroma baby. A male patient, 9 months old, complaining of delayed milestones. Neck holding not possible, could not sit, could not walk, no teeth eruption. On examination, size of head circumference was 42 cm, forehead bulging, anterior fontanelli deep, broad, and edematous, eyes were protruded. Medication given, started vajra plus gold plus honey in the morning, 30 mg approximately. Nausea of 1 drop of vajra in both nostrils in the morning, pratimarshanasya. Application of vajra powder with aloe vera juice on anterior fontanelli. Rasa sindhu with gold 1 gram plus 30 gram lactose plus 500 milligram suvarna samirpannak. Ekangavir ras sutshekhar 500 milligram. Potentized with lactose. Gave 2 to 3 grains twice a day with honey. Kumar Rasa number 3, 1 teaspoon thrice a day. After 45 days of treatment, patient was complaining of watery discharge. Within 2.5 years, patient's all milestones developed and he became a normal child. Now the patient is 28 years old now he is, and he has not a single anomaly left behind. Case number 3. In this case, symptoms were same. These are the pictures of that patient. Case number 3. Role of vajra in the case of hydrocephalus baby. In this case, symptoms were same, except cleft palate occurred and uvula was absent by birth. Note this point. Medication, in this case also same medication applied. Now patient is 2.5 years old. He can walk independently, can speak few sentences. Circumference of head became less. Bulging of anterior fontanelli healed up. No defect observed in sensory organs. The most important thing is that with the help of nasya chikitsa, the uvula of child naturally developed, which was absent by birth, and the hard cleft palate was also healed up. Note this point. These are the great achievement of nasya chikitsa, which help the child to speak properly and develop the milestones. These are the scan reports of the patient. The
ये पेशेंट हाइड्रोक्यूफेलस बेबी, ये पेशेंट जो है, मैंने 8 पेशेंट को ट्रीट किया है। ये दोनों पेशेंट जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस पेशेंट को कौन सा ऑपरेशन नहीं किया है, स्टेंट नहीं डाला है इस पेशेंट में, और उसके बाद ये पेशेंट ठीक हो गए। और इस पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें वचा तेल का नस्य का प्रयोग किया है। हमें इसे बताया है ग्रंथों में भी कि 7 वर्ष के आयु के बाद वचा या नस्य का प्रयोग करना चाहिए और 80 वर्ष के बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने इस पेशेंट को प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग किया है, और प्रतिमर्श नस्य जो 2 बूंदे हम लोग देते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि ये आजन्म हमें साथ में है। 2 बूंदे से पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं होती। पहला जो पेशेंट था इलेक्ट्रिक शॉक का, वो तो कार्डियक अरेस्ट में आया था। वो कार्डियक अरेस्ट में आने के बाद इमरजेंसी में मेरे पास तो कुछ भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, कुछ इमरजेंसी किट नहीं था। और उस पेशेंट को जब मैंने ट्रीट किया, तब मेरे पास खाली वचा तेल था और कुछ मात्रा थी। तो मात्रा का प्रयोग इमरजेंसी में कितनी अच्छी तरह हम लोग कर सकते हैं। वचा तेल जो मेरी आज जो विद्यार्थिनी रूपाली मसे पाटिल, जो MD है और गुणे कॉलेज में संहिता की प्राध्यापिका है, और डॉक्टर योगेश जोशी, ये दोनों विद्यार्थी थे मेरे पास। और दोनों विद्यार्थी जब उन्होंने देखा ये पेशेंट आया है और क्या अब हम लोग कर सकते हैं, तो वजह तेल मैंने सिरिंज में ले लिया। और सिरिंज में लेने के लिए बाद एक 5 6 7 8 ऐसे बूंदे जोर से इसके नाक में डाल दिया। ये मर्श नस्य है। जब हम थोड़ा सा जोर से या ज्यादा बूंदे डालते हैं, 8 10 बूंदे तक प्रयोग करने को कहा है, और जब मैंने वो पेशेंट में ये वचा तेल डाला, तो जैसा वचा तेल बहुत ही तीक्ष्ण है, और वचा तेल से उस पेशेंट के मूर्धन्य स्नायु को एक धक्का लगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक उससे पहले लगा था, वैसे ये भी एक शॉक था, क्योंकि वचा बहुत ही तीक्ष्ण है, और उसी से उसका सब शरीर में एक थरथराहट आ गई। पाँव के अंगूठे से लेकर सिर तक उसका शरीर सब ऐसा कंपमायन हो गया, और उसी के जैसा एक और एक शॉक मैंने जैसा दिया, और उसी के बाद वो पेशेंट तुरंत जागरूक हो गया, होश में आ गए। तो ये जो मैंने देखा कि इमरजेंसी में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह काम कर सकते हैं, और ये तो पेशेंट तो कार्डियक अरेस्ट का था, उसके बाद भी उसे ट्रीट कर सके, ये सब ही धन्वंतरी की कृपा है, आयुर्वेद की कृपा है। और इसी से इस नस्य के प्रयोग में मुझे बहुत ही अच्छा, ये नस्य कर्म कितना इम्पोर्टेंट है इसका एक उदाहरण मुझे मिला। जो दूसरा जो पेशेंट है, उसमें जो मुझे कुछ आपको शेयर करना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नस्य द्रव्यस इन केस ऑफ ड्यूराहाइग्रोमा एंड हाइड्रोकेफेलिक्स बेबी इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट वीपी शंटिंग एडवाइज्ड बाय न्यूरोसर्जरी इन आयुर्वेदा द आप्तवक्के इज नासा ही शिरसोद्वारम विद द हेल्प ऑफ नस्य चिकित्सा वी यूज्ड द नेचुरल शंट नासा गिवन बाय द नेचर With the help of nasya chikitsa, kaphadoshas shodhan occurs by the nearest path that is nasa. After 45 days of application of nasya in durahygroma baby, the child complaining of severe watery rhinitis, the mucus from nose was not thick and thereafter the circumference of the head was reduced by 2 cm, that is from 40 to 38 cm. We used pratimarsha nasya given by ring finger
only 2 drops of nasya of vacha oil was given. Secondly, second baby tha jo hydrophilus, vikruti se hum prakruti sthapakatva kar sakte hai kya? The most important point is that the fluid accumulated under dura mater is reused by nature. Note this point. That means the anterior fontanelle, which was widened before treatment, eyes that were protruded became normal and anterior fontanelle healed up. In second hydrocephalus baby, the child had hard cleft palate and the uvula was absent by birth. But with the help of nasya chikitsa of vacha oil, the cleft palate totally healed up naturally and the uvula was also developed. Due to this, the child could speak in a normal way. This is the most important thing and achievement of nasya chikitsa. There are no chances in the shunt blockage and no any side effects in both children. How does the nasya dravyas act? How does it helps to develop the cleft palate and uvula? Means physiology kya hai isme? When we put the drops of nasya, we mainly used oil base because oil has a property of deep penetration. Vacha is the tikshna dravya that I had applied in these patients. Vacha oil stimulates olfactory nerve that's situated at the base of the nose, nasamun. It is the sensory nerve of smell which gives stimulation and sensory supply to the mucous membrane supplied by olfactory nerve. This olfactory nerve gives sensation to the central nervous system. In central nervous system, the sensation of smell goes to amygdaloid nucleus, then it goes to piriform area, then piriform area to prefrontal cortex, and then it goes to hippocampus, uncus, and dominant angular gyrus. Different types of emotions are related to hippocampus. Pratimarshanasya is the snehanasya. It decreases vata prakho, the aromatic of ugragandha, that is vacha, tikshna dravya, goes by their concentration or virya. This is the most important thing. However, these substances that produce smell usually have certain characteristics. They are volatile, they are at least slightly water soluble, they are usually lipid soluble, and this could explain why a substance must be lipid soluble to cause marked stimulation of an olfactory cells. Oil has a property of deep penetration. Anu anu pranav bhav. Ye maine diya hai. To ye sab dravya ka jo concentration hai, virya hai, usi se ye sab nasya ka prayog bahut hi achhi tarah hota hai. To ये तीनों केसेस जो है तो उसी से ऐसा लगता है कि नस्य से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं. दुरा हाइग्रोमा का जो बेबी है उसी के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट मैंने किए थे. 13 साल बाद उस पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट है वो सब नॉर्मल आ गए हैं. उसका पहला रिपोर्ट है ड्यूरा हाइग्रोमा का और बाद का जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है. दिस इज अ रिपोर्ट. बेसल सिस्टम्स आर वेल सीन एंड अपीयर नॉर्मल. सिल्वियन फिशर्स एंड सर्कल स्पेसेस अपीयर नॉर्मल. द थर्ड एंड फोर्थ बोथ लैटरल वेंट्रिकल्स आर इन द मिडलाइन एंड आर ऑफ नॉर्मल साइज. ब्रेन स्टेम एंड बोथ द सेरेब्रल एंड सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स अपीयर नॉर्मल. No evidence of any obvious hypertense lesions noted in both cerebral and cerebellar hemispheres. Cranial vault appears normal. Impression is CT scan of brain reveals no significant abnormalities detected. Patient ko hum suggestion de sakte hain ki aap operation karo, lekin विदाउट ऑपरेशन हमारी नासा का ही शंट जैसा प्रयोग करके और जो हमारे पूर्वजों ने बताया है नासा ही शिरसोद्वारम उसी का प्रयोग करके हम इतना सारा यश संपादन कर सकते हैं. तो बहुत सारे पेशेंट जो है
एक पेशेंट का और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंचगव्य घृत का एक प्रयोग का जिक्र मैं करती हूँ कि पुणे में जर्मन बेकरी का स्फोट हो गया था और उसी में एक पेशेंट का उसे प्रॉब्लम हो गया क्या, उसे नींद नहीं आती थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स इंजुरीज हो गए थे और उसी उसी में से भी वो पेशेंट 3 साल तक वो हॉस्पिटलाइज था पेशेंट, और उसे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। वो जो बॉम्ब स्फोट था वो बॉम्ब स्फोट का आवाज उसके कानों में गूंज रहा था। तो हमारे एक कलीग है, उस कलीग ने पंचगव्य का जिक्र किया था और उसी पेशेंट में पंचगव्य के पहले 2 बूंदे डाले। उसके 2 बूंदे डालने से, नाक में नस्य प्रयोग करने से उसे 1 घंटा नींद आ गई। उसके बाद उसे 4 बूंदे, 5 बूंदे और 10 बूंदे तक उसके नाक में उसका प्रयोग किया और इसका इतना अच्छा प्रयोग हो गया कि जब हमने 10 बूंदे उस पेशेंट के नाक में डाले तब वो 12 घंटे सो गया था। नासा ही शिरसोद्वारम, इतना अच्छा प्रयोग जब हम नासा से, पंच कर्म से, नस्य से कर सकते हैं तो मुझे लगता है हमारी नस्य की एक स्पेशलिटी होनी चाहिए और उसी से ही प्रैक्टिस केवल हम लोग अच्छी तरह कर सकते हैं। गोमूत्र अर्क का प्रयोग मैंने साइनोसाइटिस में किया था। साइनोसाइटिस में बहुत ही हेडेक होता है और उसी में थोड़ा सा तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि मैक्सिलरी साइनसिस में, मैंडिबुलर में सब जगह वो जब कफ बैठता है तो वो ऐसे स्टोन जैसा होता है, उसे पिघल कर वो फिर बाद में लाना चाहिए। तो गोमूत्र अर्क का प्रयोग साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा होता है और तुरंत हेडेक कम होता है। ब्रेन ट्यूमर में हमने कुछ किया है क्या? तो ब्रेन ट्यूमर में मायाणु सिद्ध घृत और उसका वजा तेल का नस्य, इसका प्रयोग मैंने किया है और उसी से बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। और एक द्रव्य का जिक्र में मुझे बताना चाहिए कि अणु तेल जो है, इस द्रव्य के साथ मैं आपकी रजा देती हूँ। अणु तेल जो है उसमें कौन से द्रव्य है? जीवंती है, देवदारु है, अनंत है, यष्टि, कमल, बृहति, शालीपर्णी, विडंगो, नागकेशर, उशीर, मुस्ता, निर्गुड़ी, एला, बकरी के दूध, दिव्यांबु। दिव्यांबु से बनता है अणु तेल। तो आंखों की रोशनी के लिए जीवंती इसमें बहुत अच्छा है, वात पित्त शामक है। देवदारु कफवातनाशक, गला आंखों के रोगों में काम करते हैं। फेशियल पैरालिसिस में, मसल स्पाजम में, ग्रे हेयर में, हेयर फॉल में, ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए, टॉन्सिलाइटिस में, अस्थमा में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। इमरजेंसी में पेशेंट को जब मूर्छा आती है तो तुरंत हम जैसे वजा देते हैं वैसे ही एक प्रयोग है सुना और नवसागर का, और उसी से जो वायु निकलता है उसे ओम वायु कहा है। कस्तूरी जी ने उनका बहुत अच्छा वर्णन किया है। अमोनिया जो निकलता है उसे ओम वायु कहा है और उसी से इमरजेंसी में पेशेंट की मूर्छा से वो तुरंत बाहर आ सकता है। तो ये सारे नस्य के एविडेंस है। आपको, आप सब वैद्य है और आपको बहुत सारा अच्छी तरह मालूम है कि इमरजेंसी में हमने क्या करना चाहिए और कौन से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, लेकिन एक नस्य करके तो देखो और उसका परिणाम भी हमने देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा आयुर्वेद कितना प्रभावी है। संन्यास रोग की एक चिकित्सा मुझे बताना रह गया। तो संन्यास यानी एक मेरी पेशेंट थी और उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज था, हाइपरटेंशन, हेमिप्लेजिया, हार्ट प्रॉब्लम था और पेशेंट को एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट चालू थे लेकिन उसका शुगर बहुत लो हो गया था, 35 इतना कम। तो
तो भी पेशेंट वो कैसी सर्वाइव हो गई मुझे मालूम नहीं। अब इसका एज था 85 से आगे। मैंने जो बताया था कि 80 ईयर के बाद पेशेंट को नस नहीं करना चाहिए, ऐसे बताया है ग्रंथ में, लेकिन एक धाड़स करके मैंने ये प्रयोग किया है। तो ये पेशेंट अनकॉन्शियस थी, हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में, और मुझे वो नगर सेवक थे हमारे गांव के, उन्होंने बताया कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि पेशेंट दूसरे दिन गुड़ी पाड़वा था, तो एक दिन के लिए तो हमारी माँ बचनी चाहिए, इतनी छोटी सी उनकी उम्मीद थी। तो मैं गई आईसीयू में, डॉक्टर की परमिशन निकाली, और इसके बाद मैंने देखा कि ये तो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, शुगर हाइपोग्लाइसीमिया में है, और इसके ब्रेन में ब्रेन हेमरेज था, और 3 क्लॉट्स थे, ब्रेन हेमरेज 3 ब्रेन हेमरेज थे। और उसके बाद उस पेशेंट को मैंने अंजन चिकित्सा किया था, जो ब्लैक पेपर का अंजन उसे दिया, और नस्य जो है वो चा तेल का ही नस्य, प्रथमन नस्य, वचा तेल का नहीं प्रथमन नस्य डाला था, पहले प्रथमन नस्य डाला, उसके बाद वचा तेल का नस्य डाला। और जब मैंने अंजन ब्लैक पेपर का किया तो वो पेशेंट ने उसका पाए पाव जोर से हिलाया, तो मैंने उसके सिस्टर को बताया कि ये 1-1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अपने करना चाहिए। और दूसरे दिन वो पेशेंट आईसीयू में थे, और वो उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया तो सब मशीनरी थी, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया और पेशेंट तुरंत बाहर, उसी से भी आ गई, और उसी से बाहर आने के बाद वो पेशेंट उसे बहुत अच्छी तरह वो बोलने लगी, और वो बोलने लगी, और उसका सब वो उसे अच्छी तरह दिखने लगा सब कुछ। और मैं उसे मिलने के लिए गई थी, तो उन्होंने मैंने उन्हें पूछा, आप मुझे पहचान सकती हैं, मैं कौन हूँ, आप तो डॉक्टर मुंडेर की हैं, उन्होंने बताया। इतनी उनकी मेमोरी भी शार्प हो गई थी, तो कुछ मात्रा भी मैंने उसे चटाया था, और उसके बाद 21वें दिन के बाद उसकी नेटल डेथ हो गई। तो इसीलिए ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि आयुर्वेद ने जो हमें दिया है उसका तो इतना वो मूल्यवान है कि हम लोग कुछ सोच नहीं सकते इसके बारे में। तो इसका स्टडी और इसके ऊपर संशोधन ज्यादातर होना चाहिए। अभी कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं यहाँ कि इमरजेंसी में, हाइपरटेंशन में, हाउ टू हैंडल इमरजेंसी इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम लोग नस्य चिकित्सा का जिक्र नहीं करते हाइपरटेंशन में, लेकिन उसी पेशेंट में एपिस्टैक्सिस था, तो एपिस्टैक्सिस था इसलिए मात्रा चिकित्सा उसे पहले मैंने दिया, उसे नव्य सुशेखर जो मुकुंद राव गायकवाड़ जी ने बनाया है, थोड़ा सा अलग टाइप का पार्ट है, जिसको चाहिए मैं उसे भेज दूंगी। तो वो नव्य सुशेखर और महावाद विध्वंस, महावाद विध्वंस भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि उसमें बचना है, और उसी से तुरंत बीपी भी डाउन हो सकता है, तो उसका मात्रा आप दे सकते हैं। रसगंधा, आयुर्वेद रसशाला या सूत्रगंधा भी आप यूज कर सकते हैं, और मुक्तावटी, उसका भी प्रयोग हाइपरटेंशन में बहुत अच्छा है। शिवोधारा आप दे सकते हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि गोमूत्र और दूध के ऊपर पेशेंट को मैंने रखा था, और उसे शिरोधारा किया था तक्रधारा और आमलकी से, तो उसी से हाइपरटेंशन उसका 210/150, इतना हाइपरटेंशन था वो नॉर्मल हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है, इन स्कैंटी मेंसेस बिटवीन अमेनोरिया एंड इन पीसीओडी मरीचनस्य
इज मेंशन कैसे देना चाहिए? मरीचनस्य का प्रथमनस्य दे दो। प्रथमनस्य देने से उसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि प्रथमनस्य ये तीक्ष्णनस्य है और आप मरीच का ऐसा चूर्ण बना के मलमल के कपड़े में बांध के हूंगने से भी वो ठीक हो सकता है, बहुत ही अच्छा उसका फायदा होता है। पीसीओडी में मैंने कुछ पेशेंट के जब एमसी कभी कभी जल्दी नहीं आती तो 6-6 महीने तक एमसी आती नहीं, उसी पेशेंट में कुमारी स्वरस का नस्य देकर देखा है और उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। कोविड में रोल ऑफ नस्य कैसा होगा? तो कोविड में अब मैंने बताया कि आप प्रकृति के अनुसार नस्य दे दो। धूपन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोविड में, और धूम नस्य देकर देखो। धूम नस्य में खाली आप कोष्ठ चूर्ण और तगर इसका प्रयोग मत करो, बाकी सब कुछ आप प्रकृति के अनुसार दे सकते हैं। पंचगव्य का मैं जिक्र करती हूँ क्योंकि वो टॉक्सिसिटी नष्ट कर देता है पंचकर्म पंचगव्य। तो पंचगव्य का खाली एप्लीकेशन करने से भी नासा को जो नेजल म्यूकोजा है, नेजल म्यूकोजा को एक लेयर फॉर्म होती है और उसी से प्रोटेक्शन मिल सकता है। नस्य बच्चों में कैसे दें? आप खाली उंगली से या करांगुली से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग नस्य लेना पसंद नहीं करते, तो अंदर से लगाने से। इतना ही नहीं, नाक के बाहर से भी लगाएं आप। कभी कभी नाक बहुत ही स्नीजिंग होता है, नाक से आप सांस नहीं ले सकते, उसी टाइम बाहर से मैंने शतदोत भूत का प्रयोग करके देखा और नासा को एप्लीकेशन करके, और अंदर से पंचेंद्रिय वर्धन तेल का खाली एप्लीकेशन करने से भी बच्चों को बहुत अच्छा फायदा होता है। बचा तेल अणु तेल भी आप दे सकते हैं। इनसोम्निया में मैंने अभी अभी बताया, वृद्धावस्था होगी तो भी पंचगव्य का प्रयोग आप कर सकते हैं। पंचगव्य बहुत ही कंपवात में भी पंचगव्य का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। तो पंचगव्य का पहले 2 बूंदे दे दो, उसके बाद 4 बूंदे, 5 बूंदे, 10 बूंदे तक आप दे सकते हैं। पेशेंट की जो प्रकृति है उसी के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। हाइपोथायराइड में नस्य दे सकते हैं क्या? थायराइड में नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसा बताया है शास्त्र में सुश्रुति। तो ये सब और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी बता सकते हैं पेपर इंजन कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, मरीच अच्छी तरह घिस ली अपने सहन के ऊपर और उसमें कुछ भी दाना नहीं रहना चाहिए, शहद में घिस दिया था और उसका अंजन जैसे हम लोग काजल लगाते हैं ना वैसे अंजल अंजन किया था, तो अंजन से बहुत ही अच्छा लाभ हो गया था। नव्य सूत शेखर जो है वो मुकुंदराव गायकवाड़ उनका संशोधन है और ये सोलापुर के प्रसिद्ध वैद्य है, उनके पास मिल जाएगा। उसका उनका जो पत्ता है मैं आपको भेज दूंगी, मुझे व्हाट्सएप करो। अब तक शोधन नस्य दैट इज प्रथमन एंड अवपीड़क आर यू डूइंग शमन नस्य? यस, जब प्रथमन नस्य देते हैं ना तो थोड़ा सा जलन होता है, जलन होने के बाद पेशेंट को 2 बूंदे गाय के घी का देना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इनफर्टिलिटी में भी नासा ही शिरसोद्वारम, तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन देने के लिए मायाड़ू का नस्य, मायाड़ू घृत मैंने खुद बनाया है और उसका नस्य करके देखो, और शिरोधारा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी में, उसी से पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिलता है और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है और उसे स्टिमुलेशन मिलने के बाद फिर सब हार्मोनल बैलेंस हो सकता है। कुमारी सरस में 4 बूंदे 2-2 नॉस्ट्रिल्स में डाल के पाली के जो एक्सपेक्टेड डेट होती है मेंसेस की
उसके पहले 4 दिन डालना चाहिए, उसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। यू डोंट रिस्क ड्रूपिंग केस त्वचा तेल नस्य फॉर 1 ईयर, इज देयर एनी व्यापक सीन आफ्टर दीर्घ तीक्ष्ण नस्य? ये प्रतिमर्श नस्य है ना, प्रतिमर्श नस्य से कोई व्यापक नहीं होता। उस पेशेंट को तो मैंने लगता है मुझे 1.5 साल तक मैंने दिया है वो नस्य, बहुत ही अच्छा फायदा उसका। टीनेजर में भी रिड्यूस एग्रेसिव बिहेवियर, हाँ अच्छा, एग्रेसिव बिहेवियर के लिए बहुत सारे पेशेंट अभी हम लोग देखते हैं कि ऑटिज्म के या एग्रेसिव बिहेवियर के पेशेंट होते हैं, उन्हें दर्पण या शमन नस्य करना चाहिए। जैसे आपकी प्रकृति है, स्तन्य नस्य भी उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मायाणु का नस्य आप करके देखो, गोरखमुंडी का नस्य भी हो सकता है, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गोरखमुंडी आपका जो तमोगुण है उसको परिवर्तित करती है। गोरखमुंडी का बहुत ही अच्छा प्रयोग हो, हमारे गुरुवर्य वैद्य गौतम जी ने बताया था कि गोरखमुंडी का नस्य दिया तो हार्मोनल बैलेंस भी हो सकता है, गोरखमुंडी का प्रयोग करके देखो उसे। नमो नमः। नमो नमः। बहुत ही खूबसूरत रहा व्याख्यान, बहुत प्रेरणादायी भी है, कॉम्प्लिकेटेड, और जिन केस को शायद हाथ ना लगाए वैद्य, ऐसे केसेस आपने सक्सेसफुल, बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस में दिया है। और एक मुझे पूछना था नस्य के रिगार्डिंग, चिंता या क्रोध से जो पीड़ित है उन लोगों में नस्य नहीं करना है, अनारह है, तो वहां पे हम क्या सोच के आगे जा सकते हैं या कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए? नस्य तो इमरजेंसी में हम देखते हैं जो चिंता या क्रोध से पीड़ित है उन्हें नस्य नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे मात्रा है, मात्रा देने के बाद थोड़ी पेशेंट सेटल हो सकती है, पहले मात्रा का एप्लीकेशन कर दो, उसके बाद थोड़ा स्नेहन संवेदन कर दो, पेशेंट का विश्वास संपादन कर दो, और उसके बाद आप जैसा गोघृत का नस्य या पंचगव्य का नस्य दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम व्यापद नहीं आ सकता। प्रतिमर्श नस्य से कोई व्यापद नहीं आता, मैंने बहुत सारे पेशेंट को किया है। दीर्घकालीन कंठ कंडू या मराठी में जो घसा खोखोने, ये कंप्लेंट रहती है, तो उन केसेस में कौन सा आप सुझाव देंगे द्रव्य का नस्य के लिए? दीर्घकालीन कंठ कंडू के लिए अणु तेल का प्रयोग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस, फैरिंगाइटिस, इसमें मैंने जो द्रव्यों का जिक्र किया है ना, अणु तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि इसमें जो उशीरम, मुस्ता, निर्गुड़ी, एला और बकरी के दूध का भी प्रयोग उसमें है, दिव्यांबु डाला है अणु तेल में, अनंत है, यष्टि है, कमल है, जहां खुजली है पित्त से भी होती है, कफ से भी होती है, लेकिन कफ की खुजली बहुत ही तकलीफ देती है, लेकिन जब हम नस्य स्टीम इनहेलेशन करके देते हैं, या उन्होंने बताया है कि आप नस्य का एक प्रयोग स्टीम से भी कर सकते हैं, स्टीम में भी द्रव्य डाल के वो नस्य जैसे आप सूख सकते हैं। इस पेशेंट को अणु तेल थोड़ा सा 2 बूंदे या थोड़ा गौती चाह होता है वो पानी में डाल के या त्रिफला डाल के उसका स्टीम इनहेलेशन कर दो पहले, और उसके बाद अणु तेल का प्रयोग करो, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी जैसे वाग्भट जी ने कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, और चरक जी ने भी कहा है कि सभी इंद्रियों का मूल शिर स्थान में है, तो ये तो सब शाखा है, तो शाखाओं पे काम करने के बगैर अगर हम मूल पे ही ध्यान दे तो शायद सभी व्याधियों की चिकित्सा हम नस्य से कर सकते हैं। और ये एकमेव ऐसा कर्म है कि जो हम
रुग्णों को घर पे भी करने को कह सकते हैं मर्श प्रतिमर्श के द्वारा। तो बहुत ही खूबसूरत रहा ये व्याख्यान, नई दिशा नया पथ दर्शक है। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपसे फिर से हमें नए नए विषयों पर मार्गदर्शन मिलता रहे। आपकी गुरु कृपा ऐसे ही हम सभी पर बनी रहे। नमो नमो, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। नमो नमः, धन्यवाद, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे।